ऑलराइट दोस्तों, तो आपके सामने पेश है ये बजाज पल्सर 150 BS3 मॉडल है, 2014 का आप देख रहे हो। इसमें अभी नफीस भाई इसमें लगाने वाले हैं बजाज का पल्सर लोगो। ये देख लीजिए, दो पीस है, लेफ्ट और राइट दोनों सेट है। और यहाँ पे BS3 का यहाँ पे स्टिकर है सिल्वर ब्लैक कलर का, ये देखिए। तो अभी इस पर नफीस भाई इस पर स्टिकर लगाना शुरू करेंगे। तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें कि बाइक का फाइनल लुक कैसा आता है स्टिकर लोगो लगने के बाद। और स्टिकर ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने सोनू भाई का नंबर दे रखा है, आप कॉल करके यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आपका जो भी ऑर्डर होगा यहाँ से भारतीय डाकघर यानी इंडियन गवर्नमेंट पोस्ट से आपको भेज दिया जाएगा आपके घर तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें बाइक से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फटाफट करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो नफीस भाई लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ऑलराइट दोस्तों, सबसे पहले अपन लोग इस पर स्टिकर लगाना शुरू कर देते हैं। स्टिकर लगने के बाद यहाँ पर जो लोगो रखा हुआ है बजाज पल्सर का, उसे हम लोग टंकी पर फाइनल टच देंगे लगाने के बाद। तो सबसे पहले अभी नफीस भाई इस पर इसके टंकी पर स्टिकर लगाना शुरू कर दिए। तो देख सकते हैं BS3 मॉडल का स्टिकर, इस पर सिल्वर ब्लैक रंग का स्टिकर लग रहा है इस पर, इस गाड़ी पे। और लगने के बाद इसका मैं सिनेमेटिक लुक आपको लास्ट में दिखा दूंगा कि लगने के बाद इसका फाइनल लुक क्या लगता है और क्या आता है। तो आपको स्टिकर ऑर्डर करने के लिए टेंशन नहीं लेना है, डिस्क्रिप्शन में सोनू भाई का नंबर मैंने दे रखा है, आप ऑर्डर यहाँ आप दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप चेकआउट कर लीजिए एक बार। तो देख लीजिए फ्यूल टंकी पर स्टिकर लग गया। तो अभी जो टंकी वाला स्टिकर आपने देखा एक साइड का लग गया, और इसके ठीक नीचे वाला जो स्टिकर आता है नफीस भाई वाला है ना, ये टंकी के स्टिकर के ठीक नीचे साइड जो बैटरी पैनल का ठीक ऊपर की तरफ ये स्टिकर लगता है, आपको भी इसी तरह स्टिकर लगाना है, इसी प्रकार आपको सेटिंग करना है स्टिकर का। बेसिकली ये वीडियो मैं जानकारी के लिए बना रहा हूँ ताकि आप अपने से भी स्टिकर लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ से ऑर्डर करोगे तो भाई, अगर आपके लोकल में कोई नहीं है लगाने वाला, तो आप वीडियो के माध्यम से भी स्टिकर लगा सकते हैं इजी वे में। इस बाइक पे स्टिकर ऑलरेडी हटा के आया था, गाड़ी पेंट होकर आई है तो इसमें उतना मेहनत पड़ा भी नहीं हम लोग को। गाड़ी ऑलरेडी पूरी क्लीन होकर आई है तो इसमें ज़्यादा हम लोग को उतना मेहनत करना पड़ा भी नहीं। बाद बाकी अगर गाड़ी पर पुराना स्टिकर रहता है तो उसे निकालना पड़ता है, फिर उसे उसका ग्लू छोड़ना पड़ता है केरोसिन ऑयल से, फिर उसे क्लीन करके फिर स्टिकर लगाते हैं, लेकिन इसमें उतना मेहनत लगा नहीं, इसमें ऑलरेडी काम करके आया हुआ था गाड़ी। इसके ऊपर एक पन्नी की परत होती है जिसे आपको हटाना होता है, तब जाके स्टिकर का फाइनल लुक आता है। ये देख लीजिए सिल्वर वाइट और ब्लैक मिक्स, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अब इसका जो स्टिकर है कॉवेल साइड वाला लग रहा है, ये फ्यूल टैंक कॉवेल है, इसका सामने जो स्टिकर रहता है वो वाला नफीस भाई इस पर लगा रहे हैं। मैं करीब से दिखा देता हूँ, ये देख लो, इस स्टिकर को इसके सामने वाले स्टिकर से मैच करके लगाना होता है। इसके ऊपर जो फिल्म है वो हटा लेते हैं, ये देखिए इस तरह से एक और स्टिकर लगेगा, ये देखिए यहाँ पर लग गया। ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार और खूबसूरत लुक आ रहा है, गाड़ी ब्लैक पेंट होकर आई है। और यहाँ पर एक और स्टिकर है इस सेंटर के साइड में, ये देख लीजिए, हो गया। तो अब ये जो स्टिकर लग रहा है ये फ्रंट हेडलाइट वाइजर मास्क का लग रहा है, ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। आपको भी सेम इसी तरह से ही अपनी बाइक पे स्टिकर अप्लाई करना है। अगर आप पल्सर 150 BS3 मॉडल का सिल्वर ब्लैक रंग का स्टिकर या फिर रेड ब्लैक रंग का स्टिकर लेते हो तो आपको भी सेम इसी तरह से आपको स्टिकर अप्लाई करना है। और स्टिकर में आपको बता दूं, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, स्टिकर एक ही बार अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप सोचोगे अप्लाई करके उसे फिर वापस निकाल करके फिर से लगाने का तो स्टिकर ख़राब हो जाता है। और ये देख लीजिए फाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसका फ्यूल टैंक वाला दूसरे साइड वाला स्टिकर लगा लेते हैं, उसके बाद पीछे वाला स्टिकर अपन लोग लगाना शुरू करेंगे। और नफीस भाई के लिए एक लाइक तो बॉस बनता ही बनता है, देख लो किस प्रकार लगाया है, लगाया जा रहा है, देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ का स्टिकर लग गया है कंप्लीट, देखिए सामने से मैं दिखा देता हूँ, इसके ठीक नीचे वाला जो स्टिकर है टंगे के नीचे साइड वाला वो स्टिकर लग रहा है, इसके अपोजिट साइड वाला तो मैंने आपको दिखा दिया, आप समझ गए, आपको समझ में आ गया कि भाई कैसा लगता है और लुक कैसा आता। अभी तो भाई पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी स्किप बिल्कुल मत करना, आप फाइनल लुक देख लेना सिनेमेटिक शॉट में। अभी लोगो मिलेगा आपको लगाते हैं, अभी लोगो भी लगना बाकी है। हाँ नफीस भाई सही बोल रहे हैं, अभी लोगो भी लगना बाकी है, अभी लोगो नहीं लगा है, यहाँ पे लोगो भी अभी लगेगा। ये देखिए अगर आप यहाँ पे आते हैं तो भाई आप नफीस भाई का नाम याद रखना, इनसे ही स्टिकर लगाना अगर ये फ्री रहे तो।
ये देखिए, ये देखिए, कूल। अब यहाँ पे लगेगा हेडलाइट वाइजर के दूसरे साइड वाला स्टिकर लगेगा, ये देखिए। अब ये लास्ट स्टिकर है भैया, आप देख लो इसके सीट कवर का दूसरे साइड वाला स्टिकर आप लोग लगा रहे हैं, ये देखिए। देखिए बॉस, इसका टंकी का स्टिकर है पल्सर वाला। आप हमसे पूछ रहे हैं नफीस भाई, एक्सपर्ट होकर आप हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है? ठीक है। बजाज का जो एम्बलेम होता है बी का, वो लग रहा है। ये करीब से मैं दिखाता हूँ, ये देख लो, दैट्स इट। एक साइड का लोगो कंप्लीट, स्टिकर कंप्लीट, दूसरे साइड वाला अपन लोग लगाते हैं। ये दूसरे साइड वाला है, यहाँ पे स्टिकर तो लग रहा है। अब्दुल, आप पीछे का नंबर प्लेट खोलने का काम कर रहे हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, लोगो दूसरे साइड वाला है पल्सर का, 3D लोगो। तो दोस्तों, आपने पूरे वीडियो में देखा कि नफीस भाई और अब्दुल भाई तो नंबर प्लेट खोल लेते हैं, नफीस भाई ने पूरा स्टिकर लगाया, पल्सर का 3D लोगो लगाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें मोटरसाइकिल से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हाँ, कोई भी स्टिकर या फिर 3D लोगो या LED लाइट या फिर रेडियम वगैरह ऑर्डर करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सोनू भाई का नंबर दे रखा है, आप कॉल करके यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आपका जो भी पार्सल होगा भारतीय डाकघर यानी इंडियन गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से आपको आपके घर तक डिलीवरी दे दी जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए दो इस भाई को इजाजत, लिव फ्री, राइड हार्ट एंड हैव अ सेफ राइड। ये है अब्दुल भाई, पकड़ो इसको।